मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए भाजपा ने तैयार किया ब्लूप्रिंट। सपा के गढ़ में इन 5 दिग्गज मंत्रियों को सौंपी कमान। कुंदर की व कठहरी उपचुनाव की जीत से उत्साहित। भाजपा अब मिल्कीपुर में चक्करव्यूह रचने में जुट गई है। अभी तक मिल्कीपुर में 4 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई थी, अब 5 मंत्रियों को मिल्कीपुर में कमल खिलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के 5 मंडल हैं। प्रत्येक मंडल की कमान एक मंत्री के हाथ में होगी। कुंदर की व कठहरी सपा के गढ़ रहे हैं और उपचुनाव में दोनों क्षेत्रों में भगवा परचम लहराकर भाजपा ने बड़ा उलटफेर किया है। इसी प्रकार मिल्कीपुर भी सपा का गढ़ माना जाता है। ऐसे में भाजपा कुंदर की व कटहरी की तरह ही मिल्कीपुर का लक्ष्य भेदने की रणनीति बना रही है। 5 मंत्रियों को सौंपी गई कमान। अभी तक 4 मंत्रियों कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव, संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह व खाद रसद मंत्री सतीश चंद्र शर्मा को मिल्कीपुर सीट का जिम्मा दिया गया। अब सहकारिता मंत्री JPS राठौर को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। संगठन में एक लंबा अनुभव होने के साथ ही वे कुंदर की उपचुनाव में भाजपा की जीत में अहम रोल निभा चुके हैं। इसके साथ ही 2 विधान परिषद सदस्य अवनीश पटेल व डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह को यहां पर लगाया गया है। अवनीश पटेल जहां जातीय समीकरण साधेंगे, वहीं धर्मेंद्र सिंह सांगठनिक कार्यों को गति देंगे। 35 विधायकों को दिया जाएगा टास्क। संगठन में शिल्पकार के नाम से चर्चित MLC व भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह की कठहरी उपचुनाव में मिली जीत में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रस्तावित उपचुनाव में भाजपा के 35 वर्तमान व पूर्व विधायक को भी टास्क दिया जाएगा। के अतिरिक्त संगठन कार्य में माहिर बाहरी जिलों के पदाधिकारी व प्रदेश के पदाधिकारियों को भी तैनात किया जाएगा। एक पदाधिकारी को 2 बूथ की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी होगी। मिल्कीपुर से सपा के विधायक रहे अवधेश प्रसाद के सांसद निर्वाचित होने के बाद उपचुनाव प्रस्तावित है। हाल ही में संपन्न उपचुनावों में यहां पर भी चुनाव होना था, लेकिन उच्च न्यायालय में याचिका लंबित होने से उपचुनाव नहीं हो सका। अब याचिका वापस लेने के बाद यहां उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है और मिल्कीपुर में राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। 4 श्रेणी में बांटे जाएंगे बूथ। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के कुल 414 बूथों को भाजपा ने 4 श्रेणी में विभाजित किया है। ए श्रेणी के बूथ जो भाजपा हर बार जीतती है और बी श्रेणी में वे बूथ चिन्हित किए जाएंगे जहां वे बराबर पर रहती हैं। सी श्रेणी के बूथ जहां पार्टी कमजोर है और डी श्रेणी के वे बूथ होंगे जहां पर भाजपा को बहुत कम मत मिलते हैं। भाजपा संगठन की दृष्टि से 61 शक्ति केंद्र है। एक शक्ति केंद्र में 5 से 7 बूथ समाहित किए गए हैं। प्रत्येक शक्ति केंद्र पर एक संयोजक, एक प्रभारी व एक प्रवासी को जिम्मेदारी दी गई है।